टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारुति वैन कार को टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। हादसे का शिकार हुआ परिवार हरियाणा के बल्लभगढ़ से शादी समारोह में से बुलंदशहर के मीठेपुर अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और आरोपी चालक की तलाश में जुड़ गई है। हादसे में मरने वालों में एक 60 साल की महिला शमशीरा, दूसरी महिला फरजाना, एक 15 साल की युवती सुमाइला और यासिन, साकिर और रिहान है। वहीं महिला शबनम, युवती अक्सा और सिदार समेत फरहान, रियान, रुबियान और मुशर्रफ गंभीर घायल हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर को रेफर कर दिया। देखिए, आज लगभग 8:45 की घटना है ये। थाना साइड 5 क्षेत्र में सिरसा गुलचक्कर ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे एक इको कार जो बल्लभगढ़ से आ रही थी और मीठेपुर जा रही थी, उसको किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी और उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है। जो इंजर्ड हैं लगभग उनकी 8 या 9 की संख्या है। इनको तत्काल हम लोग लेकर के हॉस्पिटल आए हैं, उनका इलाज चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।